अरे जल्दी उठा ले, छोटी सी तो है। तो जब बच्चे होंगे तब नहीं उठाएगा बच्चों को? बच्चे मोटे हो फिर। क्या हुआ इसको? पता नहीं, लगी होगी किसी चीज से, लकड़ी वगैरह से। कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक कैसे? लेकिन मतलब पुराना है क्या? हाँ तो पुराना ही है, स्वेलिंग आज तो सारी। करते क्यों हो तो तुम ये सब हरकत? ज्योति की बात सुन के मुझे अपना बचपन याद आ गया कि पहले तो हम बाहर से पिट के आते थे, फिर घर में हमारी अलग पिटाई होती थी। पर मेरी माँ का व्यवहार जानवरों के प्रति बिल्कुल फ़र्क था, क्योंकि वो कहती थी कि भाई हम तो अपने हाथ जो है लड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अपनी चोट ठीक करने के लिए भी, लेकिन इन लोग को ज़रा सा कांटा भी चुभ जाए तो ये खुद नहीं निकाल सकते, और इसीलिए इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। अपने घर में जाएगा नंदू, पहले बता दे बच्चे रस्ता रस्ता फट जाएगा। अच्छा, हाँ खो नहीं खुलेगा बच्चा, तब तो बड़ा पंगा है, ये कैसे खोड़ना है तुझे वहाँ पे जाके। अच्छा कुछ अच्छा प्यार है नंदू से, प्यार कौन करता है नंदू से? नजदीक से करता भाई प्यार तो। लो भैया। हाँ तो चाचा सुंदर काम है, अति चीज है बाबा। इनसे क्या डरना है, दो दो मिनट पाँच मिनट ले, मार ले मार ले, enjoy। इंजरी कम्प्लीटली हील हो गई है, एक्चुअली जो पीछे वाला पोर्शन है जहाँ पे पहले वो था हार्ड हो गया ना, वहाँ का स्किन अच्छे से, तो हम उसको वापस छुड़वा रहे हैं। देख लो जिंक का लेयर ठीक से लगा है कि नहीं उसको। हाँ लगा दिया। मेरे से चपेट ऐसे पड़ेगी नहीं तेरे को, बाप के घर को भाग देता तमीज कहीं का। ग्रेन को पिछले 2 महीने पहले हम लेकर आए थे यहाँ पे, और इसको एक क्रॉनिक स्किन डिजीज़ है जिसके लिए काफ़ी टाइम इसकी ट्रीटमेंट चली। अभी थोड़ी इसकी कंडीशन स्टेबल है, तो हमने मेडिकेटेड बाथ भी शुरू कर दी है, होपफुली इससे थोड़ा सा और बेटर इम्प्रूवमेंट हमें देखने मिलेगा। दीदी ये इजी से नहला देता है? कुछ तो हल्ला नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। इजी, मैंने सोचा इजी कपड़े धोने वाला, इसको मजा आ रहा है ना गुरु। अब ब्रेन बाबूजी यहाँ पे 3 महीने से बने हुए हैं, और शायद इनको 3 महीने और लगेंगे रिकवरी में। और जो अगला केस हम आपको दिखाने लगे हैं वो यहाँ पे जून से हैं, तो अगर 6-6 महीने एक कुत्ते की रिकवरी में लगेंगे तो हमें फिर केसेस को ना तो कहना ही पड़ेगा। हाँ वो बात अलग है कि भाई हमसे कोई अडॉप्ट कर ले या फॉस्टर कर ले, और फिर हमारे पास और डॉग्स को ठीक करने की जगह बनेगी। चंदन हमारे पास TBT के लिए आया था, उसका ट्यूमर बहुत बड़ा था जिसकी वजह से उसकी कीमोथेरेपी काफ़ी लंबे समय तक चली, जिसके बीच में उसको टिक फीवर भी हुआ, तो उसको उसकी मेडिसिन भी चली, और ट्यूमर बहुत बड़ा था इसलिए रिडक्शन में काफ़ी टाइम लगा। जब थोड़ा सा उसका ट्यूमर बच गया फिर हमने उसकी न्यूटर सर्जरी भी कर दी, और उसके बाद जब वो पूरा ठीक हो गया फिर हमने उसको रिलीज़ कर दिया। चल दिवाली बनाएगा घर पे अभी, बस चल बस केज का दरवाजा खोल दे पापा। हम जा रहे हैं डॉग का रेस्क्यू करने छतड़ी, उसको मैम्स बूंद है, काफ़ी कान के पास काफ़ी बड़ा गाँव है उसके। कब से है? नवरात्र हो गए, पता नहीं कुत्तों ने खाया हुआ है ना, उसी की वजह से पता नहीं, दवाई वगैरह लगा रहे थे तो किसी ने पेट्रोल वगैरह फेंका होगा उसकी वजह से। ये सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, इनकी तरह सेवा कौन करने वाला है, कोई नहीं। चलो ठीक कर देना इसको बेचारे को। अब हम तो इसकी जान बचाने का प्रयास करेंगे, पर बहुत से ऐसे केस जब तक हमारे पास आते हैं बहुत देर हो चुकी होती है, और बहुत प्रयास करने के बाद भी हम उन्हें बचा नहीं पाते। पर बहुत से ऐसे घाव जो शुरू होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, और अगर आप खुद ही बीटाडीन से डीमैक्स स्प्रे से इनका इलाज कर लें तो एक जान आसानी से बचाई जा सकती है। कौन है इतना अच्छा बेटा, इतने अच्छे से कौन रहा इतने सारे दिन यहाँ पे? क्या हुआ? कि पहले एम्पुटेशन सर्जरी हो चुकी थी हमारे आने के पहले ना, फिर क्या हुआ ना कि उसका इन्फेक्शन फैल गया, क्योंकि ये जो इतना बड़ा स्टंप है उसमें जो सूचरिंग हुई थी वो बार बार ज़मीन में रगड़ रही थी, इस वजह से सूचर खुले फिर इन्फेक्शन हो गया। हमने सोचा था कि हम इसको एम्प्यूट कर देंगे, लेकिन अभी फिर इसका दूसरा सर्जरी इतनी जल्दी करना इसके लिए हार्मफुल हो सकता था, पता नहीं ये सर्वाइव कर पाती नहीं कर पाती, ब्लड वगैरह का इशू आ जाता,
तो फिर हमने छोड़ दिया और ये अच्छे से हील हो गया लेकिन, और इसके केयर टेकर इसको लेने आ रहे हैं वापस। अभी मैं आपको ऑइंटमेंट दे देती हूँ, बस रेगुलर क्लीन करके ऑइंटमेंट लगाना है। हमने इसकी सर्जरी भी कर दी है स्पे की, यहाँ पे भी आप पाउडर लगा सकते हैं, मैं वो भी आपको निकलवा देती हूँ। बस वही कैल्शियम सप्लीमेंट तो वैसे भी हम सारे बच्चों को देते ही हैं, वो इसके बोन क्या है ना थोड़ा प्रेशर ज़्यादा पड़ता है ना इसके एक पैर में, तो उसके लिए अच्छा रहेगा ना। ठीक है, थैंक यू सर। साहिल आएंगे क्या, हेल्प चाहिए आपकी? नीचे कीड़े पड़े थे। आप लोगों के एरिया की डॉग है ना? हाँ, वहीं से घूमते रहती है। लगता है ऐसा ही है, गाड़ी भी चढ़ गई ऊपर आपको ना, तो जब बाई थी मैंने पहले फंस गया, तो मैंने पेट डॉल डॉल फेंका था। तो अभी आप अपने तो अच्छा कब बाइट हो नहीं गया? बाइट शुरू से नहीं करती है, जब इतनी थी तब से आती थी घर। इसके जो लोअर लिम है स्पेशली पॉज वाला जो एरिया है उसमें बड़ा वुंड है, फ्रैक्चर भी है। नी वाले एरिया में भी थोड़े लेसरेशंस हैं, एक मैगट वुंड भी है पेट के निचले हिस्से। आज हमने इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी है, पेन किलर एंटीबायोटिक इंजेक्शंस दे दिए हैं और साथ ही साथ ड्रेसिंग भी कर दी है। और हम लोग लेकिन अगर वहाँ पर और कोई फीमेल हो जिसका फेस सर्जरी नहीं हो, फेस सर्जरी के लिए ना कान, जैसे उसका कान कटा हुआ ना वी शेप में, वो कटा हुआ होता मतलब उसका स्प्रे हुआ हुआ। अगर ऐसे डॉग्स हो आपके एरिया में फीमेल डॉग्स, तो आप फोन कर देना। बस बच्चा चिल कर, चिल। आज हमारे स्टरलाइजेशन कैंप का 10th डे है, जिसमें विनीता जी हमीरपुर से आए हैं और वो अपनी 10 फीमेल डॉग्स को यहाँ पर लेके आई हैं। हमारा कैंप 1 month के लिए कंटिन्यू चलने वाला है, लोग कांटेक्ट तो कर रहे हैं बट अभी थोड़ा सा और अगर बात फैलेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैडी, ये मिष्टी, ये चिया, ये मिनी, फिर वो सर्जरी हो गया वो निया, ये इधर मफिन, ये मीशा जो उधर हो गया सर्जरी, वो डेजी है। कितने डॉग्स हैं आपके पास? मेरे पास अभी फिलहाल 80 है। हाँ, कैसे रख रहे हो 80 डॉग्स को? बहुत प्यार से। प्रॉब्लम आ रहा है स्पेस का आ रहा है, बेडिंग्स और ये जैसे सारे इक्विपमेंट केजेस कुछ भी नहीं है फैसिलिटी, बट स्टिल हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये भी अच्छा है ना ज्योति की दो दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, कि सारे ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम करें ना, तब एक भी केस नहीं छूटेगा। वहाँ पे तो भैया इस समय बहुत हलचल है, छोटे से लेके बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। सर्दियों के लिए हमने पराल इकट्ठी कर ली है जो हम गाय को खिलाते भी हैं, जानवरों की बेडिंग के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। हमारा स्टरलाइजेशन का कैंप चला है, अस्पताल की कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से चालू है, सैंक्चुरी का प्रोजेक्ट हमने छेड़ रखा है, तो काम बहुत हो रहा है और होने को बाकी भी बहुत है। पर ये सब कुछ राम जी की कृपा और आपके योगदान के बिना मुमकिन नहीं था।